होपफुली आप लोगों की तैयारी बड़ी अच्छी चल रही होगी. ठीक है, देर आर फ्यू टॉपिक्स विच आई वॉन्ट यू ऑल टू फोकस. कुछ टैक्स के कुछ स्पेशल अमेंडमेंट्स हैं विच माइट हैव बीन स्किप्ड इन द क्लासेस, और ऑल दो आई हैव कवर्ड आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज मोर ऑन दिस टॉपिक्स. ठीक है, सो प्लीज़ थोड़ा एक 15-20 मिनट का एक वीडियो रहेगा, आप लोग इसको देख करके कुछ कुछ बातों को इम्पोर्टेंटली नोट कर लें. ठीक है, सबसे पहली बात, आप लोग को जो ये नोट्स है वो नोट्स का लिंक मिल जाएगा, या आप लोग हमारे वेबसाइट से डायरेक्टली जाकर के नोट्स सेक्शन में वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा. ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो कि एक नया अमेंडमेंट आया था, टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट में. इसमें हम लोगों ने ये पढ़ रखा था कि टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट जो कि सेक्शन 56 वाला जो कि हम लोगों ने पढ़ा था टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट, उसमें हम लोगों ने यह पढ़ा था कि इट इज टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ इंडिविजुअल. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड दिस फॉर एवरी पर्सन, सब पर अब एक्सटेंड कर दिया है. नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट फॉर एवरीवन, फॉर एवरी पर्सन. लाइक अब कंपनी को भी अगर गिफ्ट मिलेगा तो फिर उसके हाथ में भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल. पहले कंपनी के हाथ में सिर्फ एक गिफ्ट टैक्सेबल होता था कि व्हेन शेयर्स वर इशूड एट प्रीमियम, तब एक केस में मस्कली टैक्सेबल होता था. नाउ इट इज अब टैक्सेबल कब हो जाएगा, टैक्सेबल तब भी हो जाएगा जबकि कंपनी को कोई गिफ्ट मिलता है. सपोज कंपनी को यहाँ पर कोई एसेट मिला फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ शेयर्स मिले, कुछ कैश मिला, एनीथिंग कंपनी के हाथ में क्या हो जाएगा, बेसिकली वो टैक्सेबल हो जाएगा. सो प्रायर टू अमेंडमेंट, मैं नोट्स रीडिंग आउट कर रहा हूँ, प्रायर टू अमेंडमेंट टू फाइनेंस एक्ट 2017, गिफ्ट रिसीव्ड बाय स्पेसिफाइड एसेट परचेस्ड एट अ प्राइस लोअर देन फेस वैल्यू बाय एन इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर टैक्सेबल. आप लोगों को याद होगा इस केस में तीन कैटेगरीज थी, एक कैश था, एक मोबाइल एसेट्स था, एक इमोबाइल एसेट्स था. अब तीनों ही कैटेगरी में नाउ दिस स्कोप हैज एक्सटेंडेड बियॉन्ड इंडिविजुअल एचयूएफ, अब इंडिविजुअल एचयूएफ तक ही रेस्ट्रिक्टेड नहीं है. ठीक हैज एक्सटेंडेड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस प्रोसेस टू ऑल द एसएससीज, अब सभी पर एक्सटेंड हो गया है, वेदर इट बी कंपनी, वेदर इट बी एनी अदर एसएससी. नाउ दिस स्कोप हैज बीन अमेंडेड, नाउ दिस स्कोप हैज बीन एक्सटेंडेड बाय अमेंडिंग सेक्शन 56-10. ठीक है, होपफुली एकदम क्लियर है. अपने से ऑब्जेक्टिव में एक नंबर, ऑब्जेक्टिव बेस में एक नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है. अगर किसी कंपनी को गिफ्ट मिला है कैश में, हो सकता है मोल कोई एसेट मिला हो एट अ प्राइस लोअर देन इट्स फेस वैल्यू, या फ्री फंड में मिल गया, 50,000 वाला जो क्राइटेरिया था वो सब कुछ एज इट इज, जो कि हम लोगों ने इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए पढ़ रखा था. सिर्फ सिंपल सी बात, अब बाकी सारे एसएससीज पर भी अप्लाई कर जाएगा, सिंपल, दैट्स इट, नथिंग एल्स. ठीक है, एक पॉइंट और जो कि हम लोग पढ़े थे कई बार, बट इवन देन टू आई वॉन्ट टू एम्फेसाइज इज डिविडेंड. हम लोगों ने डिविडेंड के केस में यह पढ़ा था कि बेसिकली डिविडेंड इनकम इन इंडिया सेक्शन फ्रॉम टैक्स. फिर आपने ये देखा था, नया अमेंडमेंट आया था कि डिविडेंड एक्सीडिंग ₹10 लाख इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%. इसको मैं फिर से एक बार क्लियर करना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स के लिए, डिविडेंड एक्सीडिंग ₹10 लाख इज टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 10%. सपोज इफ एन इंडिविजुअल रिसीव्स डिविडेंड ऑफ ₹12 लाख, उसको डिविडेंड मिलता है ₹12 लाख का, तो फिर डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ ₹2 लाख का टैक्सेबल होगा. सिर्फ कितने रुपए का डिविडेंड टैक्सेबल होगा, ₹2 लाख एट द रेट ऑफ 10%. Yes, this dividend exceeding ₹10 lakh is not taxable in few cases as well. जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे, like in case of company, अगर company को, एक company को दूसरी company से dividend मिलता है 12 लाख 15 लाख रुपए का, nothing is taxable. ठीक है, मगर एक individual को मिलता है, it is taxable. कितना? सिर्फ 2 लाख रुपए, सिर्फ 2 लाख रुपए, at the rate of कितना? 10%. Students, remember one thing. कहीं पर भी एजुकेशन सेस ऐड करना मत भूल जाएगा. एजुकेशन सेस हमेशा 3% का अप्लाई करता है, वो अप्लाई करता रहेगा. ठीक है, चलो क्लियर. फिर आगे आए हम लोग. ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है इन सेक्शन 44AD.
which is presumptive taxation. याद है 44 AD we have read 44 AD में हम लोगों ने पढ़ा था presumptive taxation में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी business है eligible business है जिसका turnover 2 करोड़ रुपए तक है तो फिर वो presumptive basis पर अपनी income को 8% के हिसाब से मानते हुए वो tax pay कर सकता है like अगर किसी SSC का total sales total turnover is rupees 50 lakh तो फिर वो 50 lakh का 8% income मानेगा मतलब 4 लाख रुपए इनकम मानेगा और फिर उस पर टैक्स पे कर देगा क्लियर है ठीक है ये हम लोगों ने प्रेसम्प्टिव टैक्सेशन के अंदर में पढ़ा था अंडर सेक्शन 44AD ठीक है इसमें एक छोटा सा अमेंडमेंट और आया है बहुत इंपॉर्टेंट मगर छोटा सा अमेंडमेंट है वो सुनेगा क्या है इट सेज दैट एनी अमाउंट ऑफ टर्नओवर व्हिच इज रिसीव्ड वाया एनी बैंकिंग मीडियम will be taxable at the rate of 6% and not 8%. भैया नहीं समझ में कुछ भी पैसा जैसे मैंने कहा suppose मेरे example में मैंने कहा 50 लाख रुपए का total मेरा turnover है इस 50 लाख रुपए में से मुझे 20 लाख रुपया banking medium से मिल गया मतलब check से मिल गया नेफ्ट से मिल गया किसी डिजिटल मीडियम से मिल गया पेमेंट आ गया मेरे अकाउंट में डायरेक्टली पेमेंट आ गया इस तरीके से अगर पेमेंट आ जाता है तो फिर यहां पर 8% के जगह पर वो पैसा कैसे करके टैक्सेबल होगा वो पैसा सिर्फ और सिर्फ 6% के हिसाब से टैक्सेबल होगा जैसे वही एग्जांपल हमारा 50 लाख रुपया 50 लाख रुपए में से 20 लाख रुपए का हमें बैंकिंग मीडियम से मिल गया तो 30 लाख रुपए 8% और 20 लाख रुपया 6% ऐसे करके ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं 50 लाख रुपीस टोटल मेरा टर्नओवर है जिसमें से 20 लाख रुपए का मुझे बैंकिंग मीडियम से मिल गया और बाकी कैश से मिल गया तो 30 लाख रुपया 8% 20 लाख रुपया 6% क्लियर है तो फिर बोलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं ठीक है क्रेडिट ऑफ एएमटी और मैट एक बार इसको पढ़ना चाहे तो फिर एक बार पढ़ सकते हैं हम लोग वैसे रेट ऑफ प्रेजम्प्टिव इनकम एज पर सेक्शन 44AD 8% of gross turnover received, ये तो हम लोग को पता ही है, and 6% of total turnover or gross receipt which is received by an account payee check, मुझे check से मिला, cashless economy को promote करने के लिए, सरकार कहती है, उसको trace कर सकती है, इसलिए check से मिला, या account payee bank draft से मिला, और use of electronic clearing system, मतलब सीधे सीधे पैसा मेरा bank के खाते में आ जाए, directly कस्टमर मेरे पैसा जो है वो जो टर्नओवर का पैसा है जो सेल्स का पैसा है वो डायरेक्टली मुझे मेरे बैंकिंग मोड में जमा करवाते ये पैसा फिर कैसे करके टैक्सेबल हो जाएगा इट वुड बी टैक्सेबल एट द रेट ऑफ 6% ठीक है फिर क्रेडिट ऑफ एएमटी मैट नेक्स्ट अमेंडमेंट इज क्रेडिट ऑफ एएमटी मैट हम लोगों ने एएमटी और मैट का पूरा कांसेप्ट पढ़ा था ठीक है इनफैक्ट हम लोगों ने पूरा चीज पूरा इसको कवर अप कर लिया था सिर्फ एक छोटा सा कमेंटमेंट जो कि स्किप हो गया था क्लास में वो ये था कि क्रेडिट ऑफ एएमटी मैट इज कैरीड फॉरवर्ड जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था इट वाज 10 इयर्स नहीं अब ये चेंज हो गया है अब 10 इयर्स की जगह पर नाउ क्रेडिट ऑफ एएमटी मैट इज कैरीड फॉरवर्ड टू 15 इयर्स हम लोग एएमटी और मैट का क्रेडिट कितने दिन फॉलो कितने साल तक फॉलो कर सकते हैं 15 सालों तक कितने सालों तक 15 सालों तक जो असेसमेंट ईयर रहेगा उसके आगे अगले 15 असेसमेंट ईयर्स तक हम लोग इसको क्रेडिट को फॉलो फॉरवर्ड कर सकते हैं ठीक है द एएमटी क्रेडिट विल बी अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट अप फॉर अ पीरियड ऑफ 15 इयर्स सक्सीडिंग द ईयर इन व्हिच सच क्रेडिट बिकम्स अवेलेबल 15 साल तक ठीक है मैट क्रेडिट विल बी अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड एंड सेट अप टू 15 असेसमेंट ईयर सेम दोनों में जैसे पहले 10-10 था अब वो 10-10 चेंज होकर के कितना इयर्स हो गया है नाउ इट हैज बिकम 15 इयर्स ठीक है फिर सो स्टूडेंट्स लेट अस कंटिन्यू हम लोगों को जो कि अगला टॉपिक डिस्कस करना था वाज रिवाइज्ड रिटर्न इस रिवाइज रिटर्न के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हमें हमने कोई भी एरर लोकेट किया है कुछ भी अगर गलती रह गया तो फिर हम लोग उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं रिवाइज कर सकते हैं इसकी टाइम पीरियड में थोड़ा सा चेंजेस आया है इसका टाइम पीरियड हम लोगों ने पढ़ा था एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर से प्लस 1 ईयर
दैट इज सपोज करिए मेरा प्रीवियस ईयर इस समय चल रहा है 17-18, असेसमेंट ईयर हुआ मेरा 18-19, इसमें प्लस वन ईयर और हम लोगों ने जो कि पढ़ के रखा था, दैट इज वी कुड हैव रेक्टिफाइड अर्लियर टिल 31st March 2020। ठीक है, इसमें एक अमेंडमेंट आया है, रिवाइज रिटर्न में एक अमेंडमेंट आया है। रिवाइज रिटर्न का अमेंडमेंट ये कहता है कि नाउ द पीरियड टू रेक्टिफाई एनी मिस्टेक इज एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर ओनली। एक साल का जो और टाइम पीरियड था वो खत्म कर दिया है गवर्नमेंट ने। अब हम लोग कब तक रेक्टिफाई कर सकते हैं? हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं टिल द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर ओनली। दैट इज अगर प्रीवियस ईयर 17-18 है, उसका असेसमेंट ईयर हुआ 18-19, हम 31st मार्च 2019 तक ही कोई भी एरर रहेगा उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। दैट्स इट। ठीक है, एक बार आइए पढ़ लेते हैं। रिवाइज रिटर्न, इफ एनी पर्सन हैविंग फर्निश्ड अ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) और अंडर सेक्शन 139(4), रिमेंबर मैंने इस चीज क्लास में पहले से बता रखा है कि आपने अगर रिटर्न टाइमली फाइल किया हो या बिलेटेड रिटर्न भी अगर आपने फाइल किया होगा, That too can be revised. पहले सिर्फ और सिर्फ जो रिटर्न टाइमली फाइल हुआ है सिर्फ वही रेक्टिफाई हो सकता था। अब हम लोग यहाँ पर कोई से भी रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, discovers any omission or wrong statement therein, then he may furnish a revised return at any time before the end of the relevant assessment year. We can rectify till the end of the relevant assessment year. या obviously जो कि पहले भी था, और बिफोर द कंप्लीटेशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर। अगर आपका असेसमेंट एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के भी पहले हो गया, जैसे प्रीवियस ईयर 17-18, असेसमेंट ईयर 18-19, 31st March 2019, उससे पहले अगर मेरा असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है तो यहां पर इन दैट केस फिर मैं रिटर्न को रिवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट इज सेक्शन 234F विच इज fees for delay in filing of return, section 234F. सेक्शन 234F वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, बहुत ही काम का अमेंडमेंट है, बहुत ध्यान सुनिएगा। सेक्शन 234F इज योर फीस फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर हम लोगों ने रिटर्न डिले फाइल किया है, टाइमली फाइल नहीं किया है, इन दैट केस यहाँ पर गवर्नमेंट ने इसकी फीस पर भी स्ट्रिक्टनेस दिखाई है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बेसिकली सबसे पहले जो कि फीस डाला है वो ये कहा है कि आप पर फीस लग जाएगी 10,000 रुपये तक की। फीस अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल नहीं किया है तो फिर आप पर फीस कितनी हो जाएगी? 10,000 रुपये तक की। ठीक है, फिर उस पर गवर्नमेंट ने कहा, हाउएवर इफ यू फाइल रिटर्न टिल 31st December ऑफ द असेसमेंट ईयर, देन दैट फीस विल नॉट एक्सीड ₹5,000। कहने का मतलब क्या, मेरा प्रीवियस ईयर सपोज करिए 17-18, असेसमेंट ईयर 18-19, मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल हूँ जिसके लिए ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज 31st जुलाई, मैंने 31st जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया, रिटर्न फाइलिंग पर ये फीस है, मैंने अगर 31st जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया, देन आई विल हैव टू पे दिस फीस, मुझे ये एक्स्ट्रा पेनल्टी फीस लग जाएगी फॉर डिले इन फाइलिंग माई रिटर्न ऑफ इनकम। दिस फीस विल बी 31st जुलाई से अगर 31st दिसंबर के बीच में अगर मैंने फाइल कर दिया तो ओनली ₹5,000। 31st जुलाई के बाद मतलब 1st अगस्त से 31st दिसंबर के बीच में अगर रिटर्न फाइल कर देता हूँ तो फिर मेरी फीस कितनी हो जाएगी? आई विल हैव टू पे एन एक्स्ट्रा फीस ऑफ हाउ मच रुपीज? ओनली ₹5,000। एंड बियॉन्ड दैट इट इज सिंपल, ₹10,000। कितना हो जाएगा हमारी फीस? 10,000 रुपये। मगर अगर 31st जुलाई के बाद करता हूँ, मतलब रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद, किस अब जिसकी रिटर्न फाइलिंग की डेट है 30th सितंबर, तो फिर 30th सितंबर के बाद से लेकर के 31st दिसंबर तक, जिसकी रिटर्न फाइलिंग की डेट है 30th नवंबर, आप लोगों को पता है जिस पर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोसेस अप्लाई करते हैं उसके लिए प्रोसेस, उसके लिए रिटर्न फाइलिंग की डेट 30th नवंबर, तो 30th नवंबर के बाद फाइल किया मगर 31st दिसंबर तक फाइल कर दिया तो फिर you will have to pay an additional fees of how much rupees? 5,000. If you have filed your return till 31st December. If beyond that,
then the fees obviously would extend to rupees 10,000. Clear students? Fair. भी एक और चीज, एक और कंडीशन सरकार ने यहाँ पर लगाया. However, in no case, the fees shall exceed rupees 1,000. Fees 1,000 रुपए से ज़्यादा नहीं होगी for those SSCs having total income up to rupees 5 lakh. जिसकी भी इनकम 5 लाख रुपए तक रहेगा, उन पर फीस 1,000 रुपए ही लगेगी. वो रिटर्न कभी भी फाइल करता है, जैसे 31 दिसंबर तक किया, 31 दिसंबर के बाद किया, तभी भी मेरी फीस कितनी रहेगी? सिर्फ और सिर्फ 1,000 रुपए. तो तीन लिमिट्स हैं, 1,000, 5,000, 10,000. पहले समझते हैं 10,000. 10,000 सबके लिए, सब केसेस में. हालांकि अगर मैंने 31 दिसंबर ऑफ असेसमेंट ईयर तक फाइल कर दिया तो फिर मेरी फीस घट करके सिर्फ 5,000 रुपए. अब अगर मेरी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो फिर इन दैट केस मेरे लिए फीस हो जाएगी ओनली रुपीज 1,000. आइए एक बार पढ़ते हैं सेक्शन 234F, फीस फॉर डिफॉल्ट इन फर्निसिंग रिटर्न ऑफ इनकम. Without prejudice to the provisions of this Act, where a person required to furnish a return of income under Section 139 fails to do so within the time prescribed in Subsection 1, मतलब उसने time return file नहीं किया of the said section, he shall pay by way of fees a sum of 5,000 rupees if the return is furnished on or before 31st day of December of the assessment year. सेम केस, आपने अगर टाइमली रिटर्न फाइल नहीं किया, मेरा रिटर्न फाइलिंग की डेट है 31 जुलाई, 31 जुलाई के बाद अगर मैंने रिटर्न फाइल किया टिल 31 दिसंबर, मेरे ऊपर फीस लग जाएगा कितना? 5,000. 10,000 रुपीज़ इन एनी अदर केस. अब मतलब 31 दिसंबर के बाद फाइल करता हूँ, कितनी फीस लेवाई हो जाएगी? इट इज 10,000 रुपीज़. ठीक है. अनदर पॉइंट, provided that if the total income of the person, कोई भी person, does not exceed rupees 5 lakh, 5 lakh rupees तक है, the fees payable under this section shall not exceed 1,000 rupees. Fees would only be rupees how much? 1,000 rupees. ठीक है. फिर coming on to the next part is my interest on refund. ये इसमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है, एक बार मैं क्लियर करना चाहूँगा. इंटरेस्ट ऑन रिफंड डस नॉट अट्रैक्ट एनी काइंड ऑफ अमेंडमेंट. दिस इज़ अ टॉपिक विच आई सिंपली वांटेड यू ऑल टू रीड प्रॉपरली, इसलिए मैंने इसको अपने नोट्स में इंक्लूड कर दिया है. जस्ट गो थ्रू दिस पॉइंट्स. ठीक है, याद होगा इंटरेस्ट ऑन रिफंड इज पेबल एट द रेट ऑफ 0.5%. सरकार हमको पे करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट विल पे अस एट द रेट ऑफ 0.5% पर मंथ, 0.5% पर month. ठीक है, hopefully this much is clear to you all, and there are few important notes regarding GST which I wanted you all to note down. Is देखिए, हम लोगों ने turnover की कुछ limits पढ़ रखा था, that is आपको registration कराना पड़ता है अगर आपका aggregate turnover 20 लाख रुपए तक है. ठीक है, in few states the turnover limit is only rupees 10 lakh. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्रीगेट टर्नओवर की जो लिमिट है जब हमें रजिस्टर कराना पड़ता है इस रुपीज 20 लाख, बट इन सम स्टेट्स इट इज रुपीज 10 लाख. रिमेंबर देर आर नो अमेंडमेंट्स इन दिस. ठीक है, वो स्टेट्स कौन कौन से हैं? वो स्टेट्स हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. Importantly to note that यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर नहीं आता. जम्मू एंड कश्मीर ऐसा स्पेशल कैटेगरी स्टेट, जितने भी सरकार ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बनाए हैं उनमें जम्मू एंड कश्मीर का भी एक नाम है, मगर जम्मू एंड कश्मीर नहीं आता. दैट इज द एग्रीगेट लिमिट, द टर्न ओवर लिमिट इज रुपीज 20 लाख. अगर जम्मू एंड कश्मीर में कोई बंदा रजिस्टर्ड है उसके लिए टर्नओवर की लिमिट कितनी होगी? इट वुड बी रुपीज 20 लाख एंड नॉट रुपीज 10 लाख. ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कंपोजिशन स्कीम अंडर सीजीएसटी एक्ट. दिस आल्सो आई हैव टोल्ड यू इन द क्लास, अगेन आई वांटेड टू एम्फेसाइज ऑन इट वंस अगेन. यहां पर कंपोजिशन स्कीम की जो हमारी टर्नओवर की लिमिट है इज अप टू रुपीज 1 करोड़. दैट इज अ डीलर, अ सप्लायर, if he has turnover of up to rupees 1 crore may opt for composition scheme.
However, again, in few special category states, the turnover limit is rupees 75 lakh and not 1 crore. Matlab kuch special category states mein jahan par ki turnover 1 crore nahi apply karega. It would be rupees 75 lakh. It is same that we have done earlier. जो अभी हम लोगों ने ऊपर किया था वो सारे के सारे स्टेट्स आ जाते हैं सिवाय उत्तराखंड के, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश. ऑल दिस स्टेट्स, इन सब स्टेट्स के लिए टर्नओवर की लिमिट कितना है? 75 लाख. मींस एक सप्लायर जिसका टर्नओवर 75 लाख तक है बस वही कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है. सपोज माय टर्नओवर इज रुपीस 80 लाख एंड आई बिलोंग टू सिक्किम, मैंने सिक्किम में रजिस्टर किया अपने आप को, अपने बिजनेस को, देन ऑब्वियसली आई वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी काइंड ऑफ कंपोजिशन लेवी स्कीम. आई कैन नॉट रजिस्टर माई सेल्फ फॉर कंपोजिशन लेवी स्कीम. ठीक है, ओनली द persons who are registered in Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh can register themselves. Not the persons registered under Uttarakhand or Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir ko to hum log jo aggregate turnover wala 10 lakh wali limit usme bhi nahi include karte, aur Uttarakhand walon ko bhi hum logo ne 75 lakh rupees ki limit se hata diya hai. Matlab for those persons who are suppliers who are registered in Uttarakhand, for them turnover limit would be rupees 1 crore and not rupees 75 lakh. ठीक है, with this we have completed our amendment part. तो मिनट मैं आप लोगों से और कुछ पर्सनल बातें शेयर करना चाहूंगा, या कुछ पर्सनल चीजें आप लोगों के बारे में, आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड कुछ मोटिवेट करना चाहूंगा. देखिए, आप सब लोगों ने बहुत मेहनत किया है, ये टाइम है अपनी मेहनत को सफल करने का, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने का, ऊपर वाले पर कॉन्फिडेंस रखने का और अपने टीचर्स पर कॉन्फिडेंस रखने का. ठीक है, आप विश्वास से एग्जाम दें, मेहनत से एग्जाम दें, ईमानदारी से एग्जाम दें, डेफिनेटली यू ऑल आर गोइंग टू क्लियर इन योर एग्जाम्स. आपको कोई भी एग्जाम्स में फेल नहीं कर सकता. ऑल द बेस्ट, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस. ठीक है, आपको नोट्स के अमेंडमेंट लिंक यूट्यूब में मिल जाएंगे. थैंक यू.